Modern Classes Online Study Channel. Press the bell icon. Sab log, myself Chetan Prakash. Welcome back to Modern Classes Online Study Channel with another interesting video. Guys, आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, काफ़ी मेहनत कर रहे होगे आप. तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और हम अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. हमने पीछे बहुत सारा कवर कर लिया है. मेरे पास कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्लांट पैथोलॉजी के बारे में कुछ बताओ. तो आज का जो लेक्चर है वो प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर है, ठीक. और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करना. और आज मैं जो कवर करने वाला हूँ वो जो फंगल डिजीज़ होते हैं प्लांट्स में, उनको कवर करने वाला हूँ विद पिक्चर्स दोस्तों. तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, ठीक. फंजाई के जो डिजीज क्यूज होते हैं प्लांट में वो कवर करने वाला हूँ मैं, ठीक. तो सबसे पहले देखते हैं, ये आप देख रहे होंगे पिक्चर, ये है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट. वीट में जो कई तरह के रस्ट लगते हैं, वीट में ब्लैक रस्ट लगता है, ब्राउन रस्ट लगता है, ठीक. तो ये ब्लैक रस्ट की पिक्चर है. और ये जो फंजाई क्यूज करती है ब्लैक रस्ट वीट में, वीट की जो स्टेम होती है, ठीक, आप देख रहे होंगे पाउडर पाउडर सा, ठीक. तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रीटिकी इसकी जो क्यूजेटिव एजेंट है, फंजाई है जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रीटिकी. तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, ग्रैमिनी फैमिली से जो वीट है वो बिलोंग करती है. तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रीटिकी. और वैसे भी वीट का नाम पता होगा आपको, ट्रीटिका मैस्टिवम होता है, ठीक. तो ये ब्लैक रस्ट ऑफ वीट है फंगल डिजीज. और आज मैं फंगल को कवर करने वाला हूँ. अगली देखते हैं हम, ये तो था ब्लैक रस्ट ऑफ वीट. अगली देखते हैं ये है ब्राउन रस्ट ऑफ वीट. आप, मैंने बताया था कि कई तरह की रस्ट होते हैं, तो ये ब्राउन रस्ट ऑफ वीट है. वीट की जो वो होती है ना, जो लीफ होती है उस पर ब्राउन ब्राउन सा, जैसे कि आप देख रहे हो जंग लग जाता है ना, जैसा वैसा वैसा कुछ दिख रहा होगा आपको. और ये पक्सीनिया रिकंडीटा एक फंजाई है, वो क्यूज करती है इसको, ठीक, पक्सीनिया रिकंडीटा. तो ये ब्राउन रस्ट है वीट का. तो आप पिक्चर से आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहेगा, ठीक, वो ब्लैक रस्ट था, ये ब्राउन रस्ट है तो वीट का. और अगले देखते हैं हम, ठीक, वीट का तो हो गया, अगले देखते हैं, ठीक. ये है क्लब रूट ऑफ कैबेज. कैबेज की जो, मतलब कि ये रूट में फंगल है वो इन्फेक्शन करती है. और फंगल का नाम है प्लाज्मोडिफोरा ब्रैसिका. तो दोस्तों जो ये डिजीज़ हैं, ये मतलब कि जैसे प्लांट के जो साइंटिफिक नेम वगैरह होते हैं तो उनसे रिलेटेड ही ये डिजीज़ होते हैं, ठीक. तो उनसे रिलेटेड ही ऐसा कुछ, मतलब कि वो लगा लो आप, तो ये उनसे रिलेटेड ही होते हैं, ठीक. तो आप आसानी से इनके नाम को याद कर सकते हैं. ये क्लब रूट ऑफ कैबेज है, प्लाज्मोडिफोरा ब्रैसिका इसको क्यूज करती है, ठीक. तो अगली देखते हैं हम, ये तो था क्लब रूट ऑफ कैबेज. तो आप रूट्स में देख सकते हो इन्फेक्शन हो गया. अब ये है कवर्ड सीमेंट ऑफ बार्ले. बार्ले आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ी थोड़ी वीट से रिलेट, वीट से थोड़ी मिलती जुलती है. तो बार्ले में और वीट में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन बार्ले अलग चीज़ होती है, आप इसमें कन्फ्यूज मत होना. सॉरी, ये अस्टिलेगो होल्डेई जो एक फंजाई होती है उससे ये क्यूज होती है कवर्ड समट ऑफ बार्ले. आप देख रहे हो कि बार्ले की जो ये बाली बोलते हैं इनको, ठीक है, उसके ऊपर ब्लैक सब वो देख रहे हो आप, इसको कवर्ड समट बोलते हैं. ये कवर्ड समट ऑफ बार्ले है, अस्टिलेगो होल्डेई फंजाई इसको क्यूज करती है, ठीक है. तो ये कवर्ड समट है बार्ले का. ये है ब्राउन लीफ सपोर्ट ऑफ राइस. तो आप देख रहे हो कि राइस की जो लीफ है उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से सपोर्ट बने हुए हैं. ये ब्राउन लीफ सपोर्ट ऑफ राइस है. हेलिमेंथिस्पोरियम और आईजी इसका क्यूजेटिव एजेंट फंजाई है, ठीक है. और आईजी से आप याद रहेगा, जैसे कि ओराइजस्टाइवा जो इसका राइस का साइंटिफिक नेम है, तो आप उससे याद रहेगा आपको. तो ये हेलिमेंथिस्पोरियम और आईजी क्यूज करती है इसको, ब्राउन लीफ सपोर्ट ऑफ राइस. तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, बार बार कह रहा हूँ, और लोगों को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक. ये है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स. क्रूसीफर्स में दोस्तों जैसे कि ये, मतलब कि क्रूसीफर्स जैसे कि मस्टर्ड वगैरह आती हैं इसमें, क्रूसीफर फैमिली होती है जो, ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है. और ये एल्ब्यूगो कैंडिडा नाम की फंजाई है, उसको वो क्यूज करती है, ठीक. एल्ब्यूगो कैंडिडा वाइट रस्ट ऑफ, तो आप देख रहे होंगे वाइट पाउडर सा जो इसके, मतलब कि जो पत्ता है उसके ऊपर, ठीक है, वाइट सा पाउडर सा जमा हो गया, तो इसको वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बोलते हैं. और ये एल्ब्यूगो कैंडिडा नाम की फंजाई से क्यूज होता है, ठीक. तो ये था वाइट रस्ट ऑफ. और ये है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट. वीट में भी दोस्तों फंजाई कई, मतलब कि वो क्यूज करती है. अब ये पाउडरी मिल्ड्यू, अब मैंने वीट के तीन कवर करवा दिए, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, ठीक. अब ये पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट है. तो आप देख रहे हो कि वीट का जो, मतलब कि वो है, मतलब कि प्लांट है, उसके ऊपर थोड़ा पाउडर सा जमा हो गया है, सफ़ेद सफ़ेद सा. तो ये
रिस्पी ग्रैमिनिस नाम की फंजाई है वो क्यूज करती है, पाउडरी मिल्डी ऑफ वीट। तो इसको देख लीजिए आप, आगे 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 देखते हैं हम। ये था पाउडरी मिल्डी ऑफ वीट, रिस्पी ग्रैमिनिस मतलब कि वो क्यूज करती है इसको। ये है पाउडरी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के ऊपर वाइट पाउडर जमा हो गया है। इसको अनसी, ये फंजाई है जो इसकी अनसी, ये है अनसिनुला नकेटर, नकेटर अनसिनुला नकेटर। ये थोड़े नेम्स है जो साइंटिफिक नेम्स हैं, ये थोड़े मतलब इसकी प्रोनंसिएशन थोड़ी मेरी वीक सी है, ठीक है। तो पाउडरी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स है ये, आप देख लीजिए। तो मैंने सभी की पिक्चर्स लगाई हुई हैं ताकि आपको माइंड में एकदम सेट हो जाए। बस आपको रखना क्या याद है, आपको जो साइंटिफिक नेम है जो फंजाई का वो याद रखना है, क्योंकि पेपर में वही आएगा, ठीक है। और लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन भी आया था एक, ठीक, पाउडरी मिल्ड्यू। अब ये देखना, पाउडरी मिल्ड्यू पी, पी प्लांट में होता है, उसके ऊपर पाउडर पाउडर सा जमा हो जाता है, ये पी प्लांट का पाउडरी मिल्ड्यू। और इस इरिस्फी पॉलीगोनी इसकी जो क्यूजेटिव फंजाई है, ठीक है, इरिस्फी पॉलीगोनी, ठीक है। तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इनका, मैं तो कहता हूँ, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। ये है डाउनी मिल्ड्यू पी। अब पी की भी दो हो गई, पीछे हमने पाउडरी मिल्ड्यू की थी, अब ये डाउनी मिल्ड्यू पी है। और इसकी जो क्यूजेटिव एजेंट फंजाई है वो है परसोनोस्पोरा पीसी, परसोनोस्पोरा पीसी इसकी जो मतलब कि क्यूजेटिव फंजाई है। तो आप देख रहे हो डाउनी मिल्ड्यू पी में इसके जो मतलब कि जैसे कि जड़ सा गया है ये, ठीक है। तो ये डाउनी मिल्ड्यू पी है, मटर के पौधे में डाउनी मिल्ड्यू लग जाता है तब, तो इसको परसोनोस्पोरा पीसी जो है फंजाई क्यूजेटिव एजेंट है। और इसकी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की दूसरी डिजीज हम आते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ये प्लाज्मोफोरा विटिकोला नाम की एक फंजाई होती है। विट्टी, आप अगर आपको कहीं पे भी विट्टी वर्ड दिखे ना, VITI, तो आप समझ जाना वो ग्रेप्स से रिलेटेड है। जैसे कि विटिकल्चर को हम क्या बोलते हैं, कि मतलब कि ग्रेप्स की जैसे बड़े पैमाने पर खेती करना, उसको बोलते हैं विटिकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाई विटिकल्चर, ऑप्शन आपके नीचे चार ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपको टिक लगाना है कि। तो दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो कि मैंने बता रहा था कि विटी कल्चर जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहाँ पर आप समझ जाना कि ग्रेप्स से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, ठीक। ये तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, आगे देखते हैं हम। ये है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दोस्तों टू टाइप की ब्लाइट होती है पोटैटो में, एक अर्ली टाइप, एक अर्ली ब्लाइट होती है, एक लेट ब्लाइट होती है, ठीक है। तो अर्ली ब्लाइट तो क्लोज करता है वो होता है अल्टरनेलिया सोलेनी, जो अल्टरनेलिया सोलेनी फंजाई होती है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्यूज करती है। तो ये अर्ली ब्लाइट थी, लेट ब्लाइट का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज क्यूज बाय अल्टरनेरिया सुलेनी, ठीक। अब आगे है कवर्ड स्मट ऑफ ओट, जो दोस्तों जई, जई में दूसरी दूसरी वो वाली है, ठीक है, जई, इसको जई बोलते हैं ओट को, ठीक है। ये कवर्ड स्मट इन जई है, जिसको अस्टिलेगो कोलेरी नाम की फंजाई क्यूज करती है। तो आप देख लीजिए, ठीक है, ओट में भी कवर्ड स्मट ऑफ ओट अस्टिलेगो कोलेरी नाम की फंजाई क्यूज करती है, ठीक। तो आगे देखते हैं हम, ये है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। अब जो ग्राउंड नट होती है उसमें ये टिक्का डिजीज होती है। अब टिक्को क्यों बोलते हैं इसको, अब जो शहर के बच्चे हैं उनको पता होगा कि हम जो सिंदूर लगाते हैं उसको हम कई बार बोलते हैं ना टिक्का करवाना, ठीक है। तो उसको टिक्का है, टिक्का हम मतलब ऐसे कि वो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये इससे इसको इसलिए टिक्का डिजीज बोलते हैं ग्राउंड नट का। और ये क्रैस सर्कोस्पोरा प्रसोनेटा नाम की फंजाई क्यूज करती है, ठीक है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट का क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, 2016 में आया था टिक्का डिजीज का, ठीक है। तो ये ग्राउंड नट का मतलब कि वो है, ये आगे लेट ब्लाइट में बता रहा था, ठीक है। तो लेट ब्लाइट आप देख सकते हो कि आलू कितना मतलब कि ऐसे गल सा गया है, वैसे गंदा हा, ठीक है। तो इसको क्यूज करती है वो है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, और ये बायोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों मेडिकल एंट्रेंस का, ठीक है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज क्यूज बाय फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेट ब्लाइट का। तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है जिसको फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस क्यूज करती है, ठीक है। ये है रेड रोट ऑफ शुगर केन। दोस्तों अब आपने देखा होगा कि कई बार शुगर केन को हम जब छीलते हैं तो उसमें वो रेड रेड से दिखाई देता है, तो वो कुछ नहीं होता, वो उसकी डिजीज होती है। तो ये रेड रोट ऑफ शुगर केन है जिसको कलेक्टोट्राइकम फैलकेटम नाम की फंजाई क्यूज करती है। को मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो यहाँ पर आपको लाल बटन दिख रहा है इस पर आपके टच कीजिए, यहाँ पर आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, और यहाँ से जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिए, और यहाँ से सारे जो नोटिफिकेशन है ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। डब पर भी फॉलो कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं, यहाँ पर मैंने पोस्ट करता रहता हूँ, देखना मेरी फेसबुक की ये प्रोफाइल है, यहाँ पर भी देखो मैं कई जगह एक्टिव हूँ। तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैं सभी चीज़ें डालते रहता हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ी ही फंगल डिजीज़ थे प्लांट्स में, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और
जिसको और वीडियोस देखनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।